फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स जो रिलेटेड हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन से। हमने माइटोसिस, सेल साइकिल के सारे फेजेस, मियोसिस और साइटोकाइनेसिस को अलग अलग लेक्चर में डिटेल में डील किया है। ठीक है, अब कुछ चीजें और हैं, जैसे टाइप्स ऑफ माइटोसिस की बात करें, सॉरी टाइप्स ऑफ मियोसिस की अगर हम लोग बात करें और माइटोटिक पॉइजन की बात करें, उसी तरह से स्पिंडल अपरेटस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंट्रियोल किस तरह से बिहेव करते हैं पूरे सेल साइकिल के दौरान, स्पेशली एम फेज में, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, क्रोमोसोम का क्या बिहेवियर होता है, किस तरह से चेंजेस उसमें आते हैं, और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस। ये कुछ छोटे छोटे हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग अलग अलग तरह से डील करेंगे और कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में कवर हो जाए। हालांकि लेक्चर हमारा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ड्यूरेशन उसका बड़ा हो सकता है, लेकिन कोशिश यही की जाएगी कि एक ही लेक्चर में हो जाए, क्योंकि अगर पूरे सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, साइटोकाइनेसिस और भी सारी चीजों को डिटेल में पढ़ें तो हमको 10 से 12 लेक्चर चाहिए और हर लेक्चर कम से कम एक एक घंटे का हो, 1 आवर का एक लेक्चर हो, तब जाके हम ठीक ठाक पढ़ पाएंगे। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा चीजें को हम लोग एक्सेस कर सकें। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मियोसिस के टाइप्स को। ठीक है, टाइप्स को कि मियोसिस कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। एक बात याद रखनी है कि मियोसिस सेल डिवीजन हमेशा जो होगा ऑलवेज डिप्लॉयड सेल में होगा। कहां होगा? डिप्लॉयड सेल में, ये ध्यान रखना हमको। ठीक है, जो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन होगा उस सेल का वो हमेशा डिप्लॉयड होगा। इट मींस सेल के अंदर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, एक पैटर्नल और दूसरे मैटर्नल क्रोमोसोम। अब ऐसी सेल्स जो नॉर्मली मियोसिस सेल डिवीजन करती हैं, है ना, किस तरह का सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन करती हैं, ऐसी सेल्स को हम नाम देते हैं मियोसाइट्स। क्या नाम देते हैं? मियोसाइट्स। मियोसाइट्स आर द सेल्स जिनके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है। अब मियोसिस सेल डिवीजन अगर आप प्लांट्स और एनिमल्स में देखें और उसके अकॉर्डिंग मियोसाइट्स की बात करें, कंसिडरेशन हम करें कि मियोसाइट्स एनिमल्स में और प्लांट्स में कौन कौन सी होती हैं, क्या वो आइडेंटिकल होती हैं या अलग तरह की होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग तरह की होती हैं, पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर ही डिफरेंट कर जाता है, है ना। तो अगर एनिमल्स में बात करें, एनिमल्स में जो मियोसाइट सेल्स हैं ये स्पर्मेटोसाइट हो सकती है, स्पर्मेटोसाइट्स और ऊसाइट्स। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स और ऊसाइट्स। अगर आपने गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस या ऊजेनेसिस भी हम लोग बोलते हैं वो पढ़ा होगा, तो वहां पे देखा होगा कि जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसको मैं प्राइमरी कर देता हूं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और इसी तरह से प्राइमरी ऊसाइट्स। ठीक है, ये क्या करती है? मियोसिस सेल डिवीजन करती है और अल्टीमेटली गैमेट का फॉर्मेशन करती है, यानी स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है। ये तो बात हो गई एनिमल्स में मियोसाइट सेल्स जिनके अंदर क्या होता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। और सिमिलरली अगर हम लोग प्लांट के अंदर देखें, ठीक है, तो प्लांट्स में आपको मिलेगी माइक्रोस्पोरोसाइट, स्पोरोसाइट या मेगा स्पोरोसाइट, स्पोरोसाइट, आप मैक्रोस्पोरोसाइट भी लिख सकते हैं। कुछ साइंटिफिक लिटरेचर में आपको मैक्रोस्पोरोसाइट वर्ड भी मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैक्रो मतलब बड़ा हुआ, माइक्रो मतलब स्मॉल हुआ। तो प्लांट्स में जो मियोसाइट सेल्स होती हैं ये माइक्रोस्पोरोसाइट्स और मेगास्पोरोसाइट्स। आसानी के लिए अगर और ज्यादा क्लियर करना चाहें तो अगर आप एंजियोस्पर्म प्लांट पढ़ रहे हैं या पढ़ा होगा आपने, तो वहां पे आपने वर्ड सुना होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कौन करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको और भी हम लोग नाम देते हैं पोलिन मदर सेल। क्या नाम देते हैं? पोलिन मदर सेल, जो अल्टीमेटली मेल गैमेटोफाइट या जिसे हम लोग पोलिन कहते हैं उसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पोलिन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट।
सिमिलरली प्लांट्स के केस में अगर हम लोग देखें तो यहां पर मेगा स्पोरोसाइट या मैक्रो स्पोरोसाइट या हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, ये भी डिप्लॉयड होगी और ये फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है जिसको हम लोग नाम देते हैं एम्ब्रियोसाइट। एम्ब्रियोसाइट आगे चल के पॉलिन ग्रेन से मेल गैमेट बनता है और एम्ब्रियोसाइट में भी मेल गैमेट डेवलप हो सॉरी फीमेल गैमेट डेवलप होता है जिसको हम लोग एगियाओम कहते हैं। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि म्यूसाइट्स कैसी सेल्स हैं, ऐसी सेल्स जो डिप्लॉयड होंगी और जो मियोसिस सेल डिविजन करेंगी। प्लांट्स में स्पर्मेटोसाइट प्लांट्स के अंदर अगर हम लोग देखें तो माइक्रोस्पोरोसाइट और मेगास्पोरोसाइट, वहीं एनिमल्स में अगर हम लोग देखें तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी ओसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे चलकर क्या बनाएगी, स्पर्म बनाएगी, ठीक है, और ये क्या बनाएगी, ओवम का फॉर्मेशन होगा। टाइप्स ऑफ मियोसिस जो है वो डिपेंड करता है स्टेज पे कि कब प्रोसेस हो रही है, कहां पर हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग तीन कैटेगरी है मियोसिस की। नंबर वन गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस नंबर वन, और नंबर टू स्पोरिक मियोसिस एंड नंबर थर्ड जायगोटिक मियोसिस। तो नाम से समझ में आ रहा होगा जब गैमेट बनने के लिए मियोसिस सेल डिवीजन होता है जैसे कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं इस तरह की मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटिक मियोसिस, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए, गैमीट फॉर्मेशन के लिए होने वाली मियोसिस को अपन क्या नाम देते हैं, गैमेटिक मियोसिस। और नॉर्मली ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के दौरान मिलेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हमारे हैं वो इसी फेज को फॉलो करते हैं, इवन हायर प्लांट भी। अब आते हैं स्पोरोकमिया से, स्पोरिक मियोसिस क्या है, यहां पर स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है ना, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है और ये स्पोर क्या है, हैप्लॉयड है, ये स्पोर्स क्या है, हैप्लॉयड है। स्पोर फॉर्मेशन के लिए होने वाली मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरिक मियोसिस, ठीक है। तो जो स्पोर्स फॉर्मेशन के लिए हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन के लिए, जैसे वापस आते हैं यहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल अल्टीमेटली प्रोड्यूस क्या करती है, हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर, और वो आगे चलकर क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन। इसी तरह से मेगा स्पोरोसाइट या माइक्रोस्पोरोसाइट या मेगा स्पोर मदर सेल ये मियोसिस से डिवीजन करती है और क्या बनाती है, मेगा स्पोर, और ये मेगा स्पोर आगे चलकर क्या बनाता है, एम्ब्रियोसाइट, है ना। इसके अलावा अगर आप एडोफाइट और गैमेटोफाइट में देखें तो वहां पर भी स्पोर फॉर्मेशन के लिए ये प्रोसेस हो रही है ना, क्योंकि एडोफाइट में जो डिप्लॉन्टिक फेज या डिप्लॉयड फेज है वो डोमिनेंट होगी, जबकि ब्रायोफाइट्स के केस में अगर आप देखिए तो गैमेटोफाइट या हैप्लॉयड फेज डोमिनेंट होती है। तो ये एक तरह से इंटरमीडिएट मियोसिस है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट मियोसिस, ठीक है। और इस तरह का पैटर्न जो दिखेगा वो किस लाइफ साइकिल में आपको दिखेगा, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, ठीक है। ये कहां दिख रहा है आपको, डिप्लॉन्टिक में, और ये कहां दिख रहा है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक में, या डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लास्ट वन इज द जायगोटिक मियोसिस, तो जायगोट में होने वाले मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोटिक मियोसिस कहते हैं। तो यहां मियोसिस कहां हो रही है, मियोसिस हो रही है इन जायगोट। तो जायगोट में जब मियोसिस होगा तो एक्चुअल में बनेगा क्या, हैप्लॉयड स्पोर, क्या बनेगा, हैप्लॉयड स्पोर्स, और ये स्पोर्स डेवलप होके फिर से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे।
बिकॉज जायगोट जो होता है हमेशा डिप्लॉयड होता है। इस तरह की जो पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा ये लोअर प्लांट्स में मिलेगा, मतलब एल्गी की बात कर लें, इवन फंगस में भी आपको ये देखने के लिए मिलता है ना। और इस तरह का जो पैटर्न फॉलो करते हैं उस तरह के पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल को हम लोग नाम देते हैं हैप्लॉन्टिक। क्या नाम देते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जरूरी नहीं कि सारी एल्गी, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, बट हम लोग जनरलाइज बातें कर रहे हैं। गैमेटिक मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन के लिए, स्पोरिक मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन के लिए, जायगोटिक मियोसिस जायगोट में होने वाली मियोसिस को हम लोग जायगोटिक मियोसिस कहते हैं। तो ये तो बात हो गई मियोसिस के टाइप्स की, किस तरह की सेल्स में मियोसिस होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है माइटोटिक पॉइजन। माइटोटिक पॉइजन का मतलब क्या है? ऐसे केमिकल्स या टॉक्सिन जो माइटोसिस की सेल डिवीजन की पूरी प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं या क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करेंगे। तो यहां माइटोटिक पॉइजन्स की अगर हम लोग बात करें तो हम ऐसे टॉक्सिन्स और केमिकल्स की बात करेंगे जो प्रॉपर माइटोटिक डिवीजन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो कौन सी केमिकल्स हैं या ऐसे कौन से टॉक्सिन हैं जो ये प्रोसेस करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल्चिसाइन की अगर बात करें, एक तो ये हो गया, इसके अलावा एजाइड्स, के अलावा कैलोन्स, के अलावा साइनाइड्स। ठीक है, ये सारे केमिकल्स हैं जो सेल डिवीजन को या माइटोटिक सेल डिवीजन को डिस्टर्ब करते हैं, इंटरफेयर करते हैं उसकी प्रोसेस को। यहां पे बात हम लोग करेंगे इसकी सबसे ज्यादा कोल्चिसाइन की। ये ऑप्टेन होता है, दिस इज ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट ऑटम क्रोकस। ठीक है, ऑटम क्रोकस इस प्लांट से मिलता है। और इस केमिकल का बेसिकली अगर हम लोग रोल देखें तो क्या है, कोल्चिसाइन एक्चुअल में दिस इज द एल्केलॉयड, ये है क्या, एल्केलॉयड है। ठीक है, और ये इंटरफेयर करेगा, इंटरफेयर्स माइटोटिक या सिंपली हम स्पिंडल लिख सकते हैं, माइटोटिक स्पिंडल असेंबली, है ना। अगर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं या जिसको हम लोग माइटोटिक एपरेटस के नाम से भी जानते हैं, अगर उसकी असेंबली को डिस्टर्ब कर दिया जाए, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो क्रोमोसोम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल के अंदर नहीं होगा। वजह क्या है? माइटोसिस सेल डिवीजन में आपने पढ़ा है कि जो क्रोमेटिड्स हैं उनको बीच में से सेपरेट करने का वर्क कौन करते हैं? यही करते हैं स्पिंडल फाइबर्स। अगर स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली को ही डिस्टर्ब कर दिया जाए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो हो सकता है किसी सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, यानी पॉलीपोलैरिटी कंडीशन हो जाए, है ना। तो ये बेसिकली इंटरफेरेंस कहां कर रहे हैं? ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली में। ठीक है, कहां पे डिस्टर्ब कर रहे हैं? स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली में, इन्फोर्स कर दिया, इंटरफेयर्स। ठीक है, वहां पर डिस्टरबेंस पैदा करेंगे। हालांकि ये जो एल्केलॉयड है या कोल्चिसिन है, ये क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन पे या डीएनए के रेप्लिकेशन पे और किसी चीज पे बहुत बड़ा कोई इफेक्ट नहीं कॉज करता है, बेसिकली इसका वर्क यहीं पर डिस्टरबेंस करना है। इसको प्रैक्टिकली यूज भी किया जाता है इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम।
यहां पे भी हम लोग यूज करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम को इंक्रीज करने के लिए, जैसे पोटैटो में ये प्रोसेस की गई है। तो माइटोटिक पॉइजन क्या है ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्रोमोसोमल बिहेवियर इन सेल साइकिल, या हम लोग कह सकते हैं क्रोमोसोमल साइकिल एज वेल एज डीएनए साइकिल, कि क्रोमोसोम के नंबर में किस तरह से बदलाव नहीं हो रहा है, क्रोमेटिड डबलिंग हो रही है, उसी तरह डीएनए का नंबर बदल रहा है। ठीक है, 1C से 2C या 2C से 4C हो जा रहा है। अगर हैप्लॉइड सेल है तो 1C से 2C, और अगर डिप्लॉइड सेल है तो 2C से 4C। तो स्टार्ट करते हैं जीवन फेज से। ठीक है, जीवन फेज में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जा रहा है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और अगर इसको हम लोग और एलाबोरेट करके बनाएं तो इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये किसी एक डबल स्टैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब जीवन फेज से एस फेज में जाए, तो जीवन फेज से एस फेज में जाने के बाद होता क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन तो होता है ना, लेकिन क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन नहीं होता। हम लोग यही पढ़ते हैं, क्रोमोसोम का नंबर रिमेन सेम आफ्टर द एस फेज। तो एग्जैक्टली देखते हैं क्या हो रहा है यहां पे। डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, अभी यहां पर दो स्टैंड दिख रहे थे, अब यहां पे स्टैंड बढ़ चुके हैं, डबलिंग हो चुकी है। तो टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये, और ये इसके करेस्पॉन्डेंस स्टैंड हो गए। तो अगर यहां पर अमाउंट मान लेते हैं 2C है किसका, डीएनए का, तो यहां पर अमाउंट क्या हो गया, 4C हो गया किसका, डीएनए का। वही क्रोमोसोम के नंबर की बात करें तो अगर मान लेते हैं यहां पे 2N है क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है, तो यहां पर भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यहां पर ही क्या होगा, 2N ही होगा क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का नंबर। ठीक, एक्चुअली हम लोग क्रोमेटिन टर्म यूज करते हैं, हम लोग यहां पे भले ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए मैंने शो किया है, तो इंटरफेज न्यूक्लियस में आप देखेंगे तो क्रोमेटिन दिखेगा, क्रोमेटिन वर्ड यूज होता है, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन किसका बना होता है, एक तो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, और दूसरा क्या होता है, डीएनए, दूसरा पार्ट डीएनए है। तो ये काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जो यहां पे दिखता है। बट हमको डीएनए और क्रोमोसोमल साइकिल के बारे में समझना है, इन सेल साइकिल, तो इसलिए मैं यहां पर डीएनए को ही लेकर कंसिडर कर रहा हूं। अब G2 फेज में देखें तो यहां पे नंबर इसका बढ़ चुका है इस फेज के बाद, वही यहां पे नंबर मिलेगा, यानी 4C ही होगा डीएनए का कंटेंट, बट क्रोमोसोम के नंबर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो अब कंडेंसेशन शुरू हो रहा है, यह और ज्यादा कंडेंस हो रहा है, जो क्रोमेटिन या डीएनए फाइबर्स हैं ये और ज्यादा क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोफेज में। अब प्रोफेज में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और आपको अब क्रोमेटिड विजिबली लगभग नजर आ रहे हैं, है ना, यहां पे लगभग नजर आ रहे हैं, हालांकि क्लियर विजिबल जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहां, मेटाफेज में। तो अब ये देखिए, एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया, और ये पूरे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और इनके अंदर असेंबली हो चुकी है कंडेंस क्रोमेटिन की, मतलब डीएनए और हिस्टोन की। नेक्स्ट आते हैं मेटाफेज में, जहां पे न्यूक्लियस क्या हुआ है, गायब हो चुका है, इसे न्यूक्लियस मान लेते हैं हम लोग। तो जो न्यूक्लियस है वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो चुके हैं किससे, काइनेटोकोर, और काइनेटोकोर किसके ऊपर पाया जा रहा है, सेंट्रोमियर के ठीक ऊपर पाया जा रहा है ना, ये ग्रीन कलर से काइनेटोकोर दिखाया, और ये रेड कलर जो है सेंट्रोमियर, और ये रेड कलर से स्पिंडल फाइबर्स। तो अब इन क्रोमेटिड्स का क्या होगा, बीच में से इस जगह से इस तरह से ब्रेकिंग होगी सेंट्रोमियर के थ्रू, है ना, यहां से ये इस तरह से ब्रेक करेगा, इसकी वजह से बाय द शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो ये दोनों क्रोमेटिड जो है क्रोमोसोम के अलग अलग हो जाएंगे, तो ये इस तरह से अलग अलग दिख रहा है, एक डॉटर सेल में, दूसरा दूसरी डॉटर सेल में चला जाएगा, और वापस उसी फॉर्म में आ जाएंगे जिस फॉर्म से ये चले थे। तो वापस नंबर क्या हो गया, यहां पर जो नंबर यहां पर था वही नंबर यहां पर आ गया, 2C और 2C। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा 2N, और यहां पर भी 2N। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है पूरे सेल साइकिल के दौरान, जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाता है, देन क्रोमोसोम को डिवाइड किया जाता है सेंट्रोमियर वाली पोजीशन से बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स,
और अगर इन स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली डिस्टर्ब की जाए, जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था कि कुछ माइटोटिक पॉइजन्स केमिकल्स होते हैं, अगर उनका यूज कर लिया जाए, सेल को ट्रीट कर दिया जाए, तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ये प्रॉपर डिविजन नहीं होगा। तो ये हो गया क्रोमोसोमल बिहेवियर इन सेल साइकिल। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है स्पिंडल अपरेटस, या जिसे हम लोग माइटोटिक अपरेटस के नाम से भी जानते हैं। तो स्पिंडल अपरेटस या माइटोटिक अपरेटस होते क्या है? बेसिकली दीज आर मेटअप ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स, ठीक है। ये किससे मिलकर बना होता है? माइक्रोटिब्यूल से। किसी भी स्पिंडल फाइबर्स की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये केमिकली प्रोटीनियस होते हैं, और सबसे ज्यादा यहां पर अगर कोई प्रोटीन पाई जाती है तो वो है ट्यूब्यूलिन, ठीक है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इसके अलावा एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन प्लस मायोसिन, ये मिलती हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट, बहुत ट्रेसेस अमाउंट में। मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोटीन का इन फाइबर्स के फॉर्मेशन में, वो ट्यूबुलिन का। और जो फाइबर्स हैं ये नॉर्मली 4 टू 20 माइक्रोटिब्यूल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। किसे? 4 to 20 माइक्रोटिब्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो स्पिंडल अपरेटस का या स्पिंडल फाइबर्स का फंक्शन क्या है, ये तो हम लोग जानते हैं कि इनका काम क्या है, क्रोमोसोम को सेपरेट करना है ना, क्रोमेटिक वाले जो सेंट्रोमियर वाली पोजीशन से ब्रेक कर जाता है तो अपोजिट पोल की तरफ खींचना ड्यू टू द शॉर्टनिंग, है ना। तो एक इनका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्या क्या चीजें यहां पर हैं। तो एक स्पिंडल अपरेटस या माइटोटिक अपरेटस में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, एक तो एस्टर मिलेगा, सेकेंड स्पिंडल फाइबर्स। जो एस्टर है ये एस्ट्रल ब्रेस से मिलकर बना होता है, और किससे? सेंट्रियोल से। यहां पे हम लोग देख रहे हैं सेंट्रियोल और एस्ट्रल ब्रेस। एस्ट्रल ब्रेस हर तरफ रेडिएट कर रही हैं, ये रेडिएट करती हैं इधर उधर, ये नीचे की तरफ नहीं आ रही, बीच वाली इक्वेटर वाली पोजीशन पे नहीं आ रही है, ये इस साइड में रेडिएट कर रही है, इनको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रल रेज। इनके अलावा जो रेज हैं, है ना, जो रेज आपको दिख रही है, इनको फाइबर्स के नाम से हम लोग जानते हैं, इन्हें नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर्स हो सकते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं जो पोल टू पोल नहीं फैले हुए हैं, उसी तरह से कॉन्टिन्यूस फाइबर्स होते हैं जो पोल टू पोल फैले हुए होते हैं। दूसरे जोनल फाइबर्स होते हैं जो दो क्रोमेटिड्स या दो क्रोमोसोम के बीच में दिख रहे हैं। और लास्ट वन इज द क्रोमोसोमल फाइबर्स या काइनेटोकोर फाइबर्स, जो एक्चुअल में इस सेंट्रियोल से राइज हो रहे हैं और आकर अटैच हो रहे हैं किससे? काइनेटोकोर, जो सेंट्रोमियर के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रियोल के नियर वाला जो इनका एंड होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइनस, और इस वाले एंड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस, क्योंकि ग्रोथ जो होती है माइनस से प्लस की तरफ होती है, एक के बाद एक इस तरह से माइक्रोटिब्यूल अटैच होती चली जाती है, ठीक है, और ये इंक्रीज करते हैं। और इसी तरह से जब शॉर्टनिंग होती है तो एक के बाद एक हटना शुरू हो जाती है, तो शॉर्टनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये अलग अलग फाइबर्स हैं। बेसिकली यहां पे हमको समझना क्या है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द स्पिंडल अपरेटस। तो बात समझ में आ रही हो कि सेंट्रियोल से एनिमल्स के केस में स्पिंडल अपरेटस का फॉर्मेशन होता है, हालांकि हम लोग प्लांट्स के अंदर अगर देखें तो सेंट्रियोल नहीं होता है। इसलिए जो प्लांट्स के अंदर कंडीशन होती है वो एसेंट्रिक होती है, एनएस्ट्रल वाली होती है, जबकि एनिमल्स के केस में हम लोग देखें तो ये एस्ट्रल वाली होती है, सेंट्रिक वाली होती है ना। यहां पर एक चीज और बता दें, जो डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर्स हैं ये आपस में यहां पर एक तरह से जुड़े होते हैं बाइपोलर मॉलिकुलर मोटर से, ठीक है, दीज आर द प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, बेसिकली स्ट्रक्चर समझना था हमको, वो क्लियर हो गया। अब हम लोगों के सामने दो टॉपिक और बचा हुआ है, एक तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बचा हुआ है, जो सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस बचा हुआ है ना मियोसिस और माइटोसिस का, तो एक लेक्चर और अपन कवर करेंगे, वहां पे हो जाएगा, बहुत छोटा सा लेक्चर रहेगा। इसमें फिलहाल यहीं तक, आज उन्होंने 3-4 टॉपिक देख लिए धीरे धीरे, और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर से आपसे कहते हैं कोई भी अपडेशन या कोई करेक्शन आपकी तरफ से हो तो आप हमको जरूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, हो सकता है किसी जरूरतमंद के काम आ जाए, किसी भी स्टूडेंट्स के काम आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।